भैया कौन से मोमोज लग रहे हैं हमारे? भैया वेज क्रंची मोमोज है अपने 6 पीस। वेज क्रंची मोमोज लग रहे हैं 6 पीस अपना वेज क्रंची। अच्छा अच्छा हाँ, तो गाइस मोमोज का साइज देख सकते हो भाई कितना बड़ा है। और वेज क्रंची मोमोज है अपना ब्रेड क्रम है। अच्छा ब्रेड क्रम से इसके ऊपर आके क्रंची होता है अपने। ओके ओके तो ये मसाला किस चीज़ का रहता है? ये मसाला भैया अपना कॉमी फ्लेन वगैरह मिर्ची मसाले वगैरह सब मिक्स रहते हैं मतलब ना। अभी फ्राई हो रहे हैं आप ये? जी तो रेडी हो चुकी हमारी एक कुरकुरे चाप और इसका प्राइस कितना भैया? 60 रुपीज़ है इसका प्राइस। ओके तो भाई इसका प्राइस भी 60 रुपीज़ है, तो इसको हम ट्राई करते हैं। तो गाइज आज हम आ गए हैं ग्वालियर में पंडिस रोल के शॉप पर और हम यहाँ पे देखेंगे मोमोज। काफ़ी वैरायटी के इनके पास मोमोज मिलते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और काफ़ी वैरायटी के मोमोज मिलते हैं इन पर। तो गाइज हम भी ट्राई करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हेलो भैया कैसे हो आप? बढ़िया भाई। अच्छा ये नाम क्या होगा भैया आपका? मेरा नाम सिद्धांत मिश्रा। अच्छा कितने टाइम हो गया भैया शॉप को? कोविड के बाद ओपन कर लिया था भाई, लगभग 2022 से 2021 में ओपन किया। अच्छा अच्छा अच्छा, और कितनी वैरायटी मिलती है आपके दुकान में? मोमोज की 3 से 4 वैरायटियां हैं। अच्छा, पर टोटल अपने 7 से 8 वैरायटी है मोमोज की। अच्छा मतलब 3-4 हैं और बाकी उसी में सारी अवेलेबल है। हाँ सारे अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, और प्राइस क्या होगी भैया? प्राइस अपने 40 रुपये से लेकर के 90 रुपये तक है। 40 रुपये तो काफ़ी सही है ना जी? 40 से स्टीम चालू होते हैं, 90 तक अफगानी जाता है। अच्छा अफगानी भी जाता है 90? हाँ जी, अफगानी तो काफ़ी महंगे महंगे आते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, पर अपन इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोकेलिटी मतलब ज़्यादा महंगी नहीं है। अच्छा अच्छा, इसलिए कम बजट में अच्छा खाना दे सकते हैं, कम मतलब कम ज़्यादा रुपयों में। अच्छा अच्छा, और शॉप भैया आपकी एक ही है और भी है? बस एक ही शॉप है, एक ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, और टाइमिंग क्या होगी भैया आपकी? टाइमिंग अपनी 6 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक। हाँ 6 से और रात 11 बजे जी जी। अच्छा और एड्रेस क्या होगा यहाँ का? एड्रेस अपना सनातन राम मंदिर के बाहर ही लगाते हैं अपन। अच्छा सनातन राम मंदिर है पीछे, अश्लेश्वर रोड है। अच्छा अच्छा, इसी के बाहर अपनी दुकान लगती है। ओके ओके, और आज कौन से भैया मोमोज खाने वाले हो आज? हम आज सारे हैं, सारे खाओ। अच्छा दिक्कत नहीं है। तो भैया कौन से मोमोज लग रहे हैं हमारे? भैया वेज क्रंची मोमोज है अपने 6 पीस। वेज क्रंची मोमोज लग रहे हैं 6 पीस अपना वेज क्रंची। अच्छा अच्छा हाँ, तो गाइस मोमोज का साइज देख सकते हो भाई कितना बड़ा है। और वेज क्रंची मोमोज है अपना ब्रेड क्रम है। अच्छा ब्रेड क्रम से इसके ऊपर आके क्रंची होता है अपने। ओके ओके, तो ये मसाला किस चीज़ का रहता है? ये मसाला भाई अपना कॉमी फ्लेन वगैरह मिर्ची मसाले वगैरह सब मिक्स रहते हैं मतलब ना रहता है। अच्छा अच्छा, ये सिंगल बार फ्राई होते हैं कि डबल बार? नहीं एक ही बार। अच्छा एक ही बार होते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें अपने पास पनीर भी है। अच्छा और वेज भी है और अच्छा। सोयाबीन भी है, 3 वैरायटी है। अच्छा तो भाई जैसे हमने मेन्यू दिखा दिया काफ़ी सारी वैरायटी रखते हो आप? जैसे वेजिटेबल में अपन सिर्फ वेज भरते हैं। अच्छा पनीर में अपना सिर्फ अपन पनीर भरते हैं। ओके ओके, सोयाबीन जैसे बहुत से लोग मिलावट कर देते हैं ना, मिलावट वाला कोई, लेकिन मिलावट वाला कोई काम नहीं है, मिलावट वाला कोई काम नहीं है। अच्छा ये इसका बैटर बनता है, ये बैटर अपना मैदे वगैरह का मैदा राउट वगैरह को मिला के बनाते हैं। अच्छा अच्छा, उसके बाद उसके ऊपर ये ब्रेड क्रम चिपकता है। अच्छा ये जब तक नहीं लगाएंगे ये चिपकेगा। अच्छा उसके बाद इसको फ्राई किया जाता है, तो डीप फ्राई होते हैं ना? तो भाई डीप फ्राई होंगे भैया, कितने टाइम लगता है? 4 या 5 मिनट। 5 मिनट में बन जाते हैं, मध्य आंच में होते होंगे। तो ये क्या रेडी हो रहा है भैया? ये अपना ये किचन की सोया चाप। ये किचन की ये सोया चाप हम कुरकुरी वाली कर रहे हैं। अच्छा सोया चाप, हाँ कुरकुरी वाली कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, बना 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 ये बात। हाँ क्या कह रहा है भैया इसमें? बनाए हुए मसाले रहते हैं। अच्छा बनाए मसाले होते हैं, तो सीक्रेट मसाले भी होते हैं क्या अंकल आपके? सीक्रेट तो किसी का कुछ नहीं होता। हाँ सही बात है, मगर ये है फिर भी जो कुछ लोग कुछ डालते, कोई चीज़ डालते हैं, कुछ लोग कुछ और डालते हैं। कम ज़्यादा डालने का बस तरीका होता है, अलग अलग टेस्ट देने के लिए अलग अलग अच्छा, तरीका अच्छा। रहता है। क्या क्या डालना भैया? जिंजर गार्लिक पेस्ट है, अच्छा अच्छा शेजवान सॉस है,
मेरी शॉप के लिए। क्या प्राइस रहती भैया इसकी टुकड़ी चाप जी? 60। क्या प्राइस रहती इसकी? इसकी 60 रुपीज़ प्लेट है। अच्छा अच्छा भैया फ्राई हो रहे हैं अभी ये? क्या डल रहा है इसमें? पहले इसमें चाट मसाला डल रहा है। चाट मसाला डल रहा है जी। सर्व करने से पहले थोड़ा चाट मसाला। तो भाई देखने में कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और एकदम कुरकुरे मोमोज तो भाई काफ़ी मस्त लग रहे हैं देखने में, काफ़ी बढ़िया। ये इसके साथ दो चार चाप के पीस है। अच्छा तो भाई सर कलर ही देख सकते हो कितना मस्त आया है, एकदम गोल्डन ब्राउन। इसके साथ ये कोल्स का सलाद होता है, ये इसके साथ कोल्स का सलाद दिया जाता है। अच्छा अच्छा अभी बनाते हैं पत्ता गोभी और अपने गाजर रहते हैं, ये अपने बनाते हैं थोड़ा जायके के लिए। ओके ये हमारी तीखी रेड चटनी, पूरे ग्वालियर में सबसे ज्यादा अगर तीखी चटनी कोई हमसे ज्यादा बना के बताए तो बता दो। तो गाइस यार ये मेयोनी, ये मेयोनी रेडियो के भैया, ये रेडियो पे। तो गाइस ये रेडियो हो चुकी हमारी प्लेट कुरकुरे मोमोज की। और इसका प्राइस कितना? इसका प्राइस वेज का 60 रुपीज़, पनीर का 75। तो वेज का 60 रुपीज़ है और जो पनीर वाले जो कुरकुरे मोमोज है उसका 75 रुपीज़ है। तो ये वेज वाले हैं और इसका 60 रुपीज़ प्राइस है। तो गाइस देख सकते हो आप भैया ने सैलेड दिया है, ये खुद का बनाते हैं, बाकी मेयोनी और बाकी रेड चटनी, बाकी मोमोज दिए हैं। तो भैया ये क्या लग रही है अब सेकंड? ये अपनी चाप आ रही है। चाप आ रही है जी। तो ये भी कुरकुरे चाप होती है? ये भी कुरकुरे चाप है। अच्छा दो वैरायटी में है ये थोड़ी क्रिस्पी है। अच्छा और ये नॉर्मल कुरकुरे चाप होती है। अच्छा अच्छा ये फिंगर चाप है। तो इसके संग क्या आता है भैया? इसके संग प्याज और हरी चटनी। प्याज और हरी चटनी जी। अच्छा तो रेडी हो चुके भैया जी? तो गाइस रेडी हो चुके हमारी एक कुरकुरे चाप और इसका प्राइस कितना भैया? 60 रुपीज़ है इसका प्राइस। ओके तो इसका प्राइस भी 60 रुपीज़ है, तो इसको हम ट्राई करते हैं।